से नेक्स्ट मंथ हम लोग स्टार्ट करें। 1 मंथ हमारा जो हम लोगों ने मेकअप का स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हो चुका, उसके डिप्लोमास भी दे दिए गए। और अभी जो हम लोग 1 मंथ का दोबारा से कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हमारा हेयर से रिलेटेड है। हेयर से रिलेटेड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कटिंग से, जिसमें हम लोग सबसे पहले बच्चों की कटिंग, उसके बाद फिर बड़ी कटिंग और ऑल ओवर जितनी भी कटिंग होती है। कटिंग के बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हेयर स्टाइलिंग के, मुख्तलिफ किस्म की हेयर स्टाइलिंग करेंगे, जिसमें पार्टी, ब्राइड, मॉडल, ऑल हेयर स्टाइलिंग जो भी होती हैं। इसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता हेयर स्टिक्स पे, रिबॉन्डिंग पे, केराटिन पे। और बाकी आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को मज़ीद कौन सी वीडियो जो है वो देखनी है, किस वीडियो को देखने के लिए आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स ज़रूर करने हैं। तो आज जो मैं आप लोगों को कटिंग बताने जा रही हूँ वो है बॉब कटिंग, जो कि आज हम लोग एक बच्ची की कर रहे हैं। जो मेरे पास कॉलेज का स्टाफ है, प्रोफेशनल बच्चियाँ जो सीख रही हैं, उनको चूंकि क्लास देनी थी आज कटिंग की, तो मैंने सोचा कि उसकी वीडियो बना के आप सबके साथ भी शेयर की जाए। और ये मंथ हमारा सैलून पे जो है, कॉलेज की बच्चियों का और प्रोफेशनल बच्चियों का हमारा हेयर पे चल रहा है। और जैसे जैसे वहाँ मैं अपने सैलून पे जो काम उनको करवाऊँगी, उनकी मैं कोशिश करूँगी कि साथ साथ वीडियो बना के आप सबके साथ भी शेयर करूँ। और आप सब जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अटैच हैं और वो सीखना चाह रहे हैं, घर में रहते हुए सीखना चाह रहे हैं सैलून का, तो वो इसी तरह से सीखें जिस तरह से यहाँ पे आके जो बच्चियाँ सीख रही हैं। तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप सबके प्यार, आप सबकी मोहब्बत है कि मैं दोबारा से नेक्स्ट मंथ स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छा तामुन कर रहे हैं आप लोग। अगर मज़ीद आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो नेक्स्ट जो हम लोग थर्ड इंशाल्लाह मंथ स्टार्ट करेंगे वो टोटल स्किन से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग स्किन की ट्रीटमेंट, फ्रैकल, एक्नी, ऑल ओवर जो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर लेवल पे हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम लोग वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करेंगे। तो चले आइए देखते हैं कि आज हम लोग जो कटिंग बच्ची की करने जा रहे हैं उसके हेयर किस तरह के हैं, हमने सबसे पहले उसके लिए क्या यूज़ किया, और आज हम लोग उसको जो कटिंग करने जा रहे हैं वो कौन सी कटिंग है। जी तो देखें, ये वाले हेयर्स हैं, हमने इनको सबसे पहले तो फुल जो है हेयर्स को वेट करना है, बहुत ज़्यादा वेट करना है, भर के शावर लगा के। तो फिर आप ऐसे हेयर पे कटिंग स्टार्ट करें जो कि ड्राई हेयर पे अगर आप कटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो बिल्कुल वेवी हेयर हैं, तो एकदम से वो फूल जाता है बाल और कटिंग करना मुश्किल हो जाती है। तो इस जो हेयर हैं, इस तरह के हेयर्स पे कटिंग करना बहुत जो है वो टफ़ काम होता है, बट आज हम लोगों ने जो कटिंग की है ये आपको जस्ट एक गाइडलाइन देने के लिए, समझाने के लिए कटिंग की गई है। प्रॉपर जो है इसको ब्लो ड्राई और एक इसकी सेटिंग नहीं की गई, क्योंकि ये जस्ट बच्चियों को गाइडलाइन देने के लिए वीडियो बनाई गई थी, आप लोगों को गाइड करने के लिए वीडियो बनाई गई थी। बहुत रफ़ ड्राई हेयर्स हैं और इन रफ़ ड्राई डैमेज हेयर पे हम लोग किस तरह से बॉब कटिंग करते हैं, तो आप सबके साथ हम लोग अपनी वीडियो को शेयर करते हैं। देखें जी, सबसे पहले तो हमने एप्रन लगा लेना है। बच्ची के जो कपड़े हैं, जो उसकी नेक है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, इस बात का सबसे पहले आपने ख्याल करना है। और एप्रन जब आप लगाएं तो एप्रन को, जब बच्चों की कटिंग के लिए एप्रन लगाएं तो बैक साइड पे रख के लगाएं, और अगर आप बड़ों की कटिंग करते हैं, चूँकि वो स्टेप और लेयर कटिंग होती है, तो वो हमने एप्रन स्टार्ट में लगाना होता है। हेयर सीरम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बहुत ड्राई हेयर थे, वेट करने के बाद हेयर सीरम अच्छे से हमने हेयर पे लगाया, हल्के हल्के से हाथों से मसाज की, ताकि बालों में थोड़ा सा मॉइस्चराइज आ जाए। मॉइस्चराइज आएगा तो बाल बिल्कुल एकदम से फौरन ड्राई नहीं होगा और फूलेगा नहीं, क्योंकि वेवी हेयर हैं, वेवी हेयर जो हैं वो जितना भी आप उनको वेट कर लो वो ड्राई हो जाता है। फैन चल रहा होता है तो वो बाल बहुत जल्दी ड्राई होता है और फूल जाता है, वो साथ साथ फिर वो कटिंग करना मुश्किल हो जाता है, और अनट्रेंड बच्ची जो होती है उसके लिए कटिंग करना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर बाल साथ साथ फूलना शुरू हो जाए। तो इसलिए हल्का हल्का सा जो है उसको मसाज कर लेना है अपने ड्राई हेयर को,
थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ कर लेना है ताकि आपका हेयर इतनी जल्दी जो है वो ड्राई ना हो और आपके लिए कटिंग करना थोड़ा इजी हो जाए। अभी देखें जी, स्टूडेंट ने जो चेयर रखी बच्ची के लिए, तो वो चेयर उसने बड़ों की कटिंग वाली रखी। इस चेयर पे हम लोग बड़ों की कटिंग करते हैं, इसकी टेक थोड़ी बड़ी है, तो इसलिए फिर मुझे जो है वो चेयर को चेंज करवाना पड़ा। जो बच्चों की कटिंग के लिए चेयर है वो हम लोग यूज़ करेंगे। इसकी ये टेक जो है, ये टेक देखें छोटी है और इसके ऊपर कटिंग करना इजी है। टेक बैक से चेयर की बड़ी होगी तो वो कटिंग करना मुश्किल हो जाती है। और इसको हमने जो है चेयर को थोड़ा सा अप किया स्टैंड से, ताकि वो हमारे अपने लेवल के ऊपर आ जाए। अक्सर क्या होता है कि कटिंग करने के लिए अगर हम लोग अपने से ज़्यादा छोटी हाइट की कोई चीज़ यूज़ करते हैं, स्टूल वगैरह यूज़ करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है और झुकने की वजह से अपने भी कमर जो है वो पेन करना स्टार्ट कर देती है। तो इस वजह से हमने जो अभी चेयर यूज़ की उसकी हमने हाइट भी थोड़ी अपने लेवल पे अप कर ली, और टेक इसकी देखें छोटी है, कॉम करना इजी है और कटिंग करना इजी होगा। अगर आपके पास इस तरह की चेयर ना हो, टेक बड़ी वाली चेयर है जो आम तौर पे भी सलोन पे यूज़ होती है, तो आप जो है वो कोई छोटा स्टूल ले सकती हैं। स्टूल लेके उस पर रखें जिस पे कमर बैक बच्ची की बिल्कुल आप इजी हो के उसको कट कर सकें और कॉम कर सकें। बिल्कुल बालों को बैक पे करके बिल्कुल स्ट्रेट करना है, ऊपर से बालों को कंघी करके नीचे की तरफ लेके आएंगे और बिल्कुल स्ट्रेट लेवल पे लेके आएंगे। इस तरह से कॉम करेंगे कि बाल बिल्कुल आपका सीधा हो। देखिए अभी बहुत जो है वो बाल फूला हुआ था, ड्राई बाल था, तो अभी जब हमने इसको वो मॉइस्चर किया है तो बाल बिल्कुल स्ट्रेट लुक दे रहा है। इस तरह से देखें जी, इसको कॉम करेंगे और सर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अगर बच्चा सर हिलाएगा तो वो कटिंग ऊपर नीचे अप डाउन हो जाएगी, तो इस वजह से गर्दन को थोड़ा सा स्ट्रेट लुक में रखें। हमने यहाँ से जो है कटिंग स्टार्ट करनी है, बिल्कुल हमने ऊपर तक नहीं लेके जानी। शॉर्ट करेंगे हेयर, बट एकदम से जो है वो ऊपर से हम कटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लोगों को जितनी भी आपने देखें जब कटिंग करनी है, क्लाइंट से पूछते हैं आपके कहाँ तक बाल जो है वो क्लाइंट के बच्चों के शॉर्ट करने हैं, तो आप कभी भी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो उसके ऊपर सीजर रख के नहीं चलाएं, बल्कि आप उसको 2 इंच छोड़ के नीचे रख के बालों को आप कटिंग स्टार्ट करें। यहाँ से देखिए हमने कटिंग करनी है, बट हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, नीचे से, डाउन से, क्योंकि ये नीट करते करते इसको गुलाई देते देते ये ऊपर तक चला जाता है हेयर। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट मिस्टेक कर जाती हैं कि क्लाइंट ने बोला कि नेक तक शॉर्ट कर दें, तो वो एकदम से ऊपर से जो है वो कटिंग लेती हैं। आपने नीचे से रखनी है, सीजर जो है बिल्कुल आपने स्ट्रेट, नोक जो है सीजर की कटिंग करते हुए उसका आपका जो नोक है वो अप होना चाहिए, उसका जो आप स्टाइल रखें सीजर का। अगर आपकी सीजर डाउन होती है तो वो आपकी गुलाई नहीं आती, जो आपको बॉब कटिंग चाहिए वो बॉब कटिंग की लुक नहीं आएगी। अब देखें बिल्कुल हमने जो सीजर है उसको छोड़ा नहीं और एकदम से उसको एक स्ट्रेट लुक में ले गए। अभी हमारे पास जो नीचे लेयर रह गई हैं, इनको हम लोग सीजर का रुख थोड़ा सा चेंज करके कट करेंगे। सीजर को हमने बिल्कुल सीधा रखते हुए पहले जो इक्वल किया, ठीक है, अभी हम सीजर को थोड़ा सा तिरछा रखेंगे अंदर की साइड पे, क्योंकि हमने जो उसके नीचे वाले एरिया से हेयर को कट करना है, नीचे वाली लेयर हमने कट करनी है, ऊपर वाले बालों को नहीं छेड़ना। तो ये देखें जी, नीचे से हम लोग इस तरह रुख रखेंगे सीजर का कि नीचे की लेयर बालों की कट करें, ऊपर से उसको कट ना करें, क्योंकि वो हो चुकी है ऑलरेडी, उसको अब हम लोग बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। तो इस तरह से ऊपर को जब आप नोक रखेंगे तो आपकी गुलाई इस तरह से ऊपर को जाएगी। अगर आप सीजर की नोक सीधी रखते हैं तो वो आपकी एक स्ट्रेट कटिंग आती है, वो आपकी बॉब कटिंग या गुलाई में कटिंग नहीं जाती। सीजर का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपने सीजर का रुख किस साइड पे रखना है। देखिए अभी हम लोगों ने जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसी हिसाब से हमने बालों को नीचे से कट किया था, चूँकि
जैसे जैसे हम इनको नेट करते जाएंगे, नेट करते करते ये तकरीबन 2 इंच तक बाल जो है 2 से 2.5 इंच तक और ज़्यादा शॉर्ट होगा। फिंगर पे रखें, छोटा छोटा सा सेक्शन लें और उसको एक दफ़ा जो आपने नीचे का कट कर लिया एरिया उसको नेट कर लें। इस तरह से जब आप उसको नेट करेंगे तो बाद में आपकी जो कटिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट और नीट आएगी। आपने वैसे भी बाल अगर स्ट्रेट करने हो, छोटे छोटे आप सेक्शन इस तरह से बालों को लें और पहले वाले सेक्शन को साथ रखते हुए उसको कट करेंगे तो आपके पास गाइडलाइन भी रह जाएगी और आपकी स्ट्रेट कटिंग भी बहुत अच्छी होगी। इसी तरह से हमने ये देखें, इसको सारी बालों को इस तरह से कट करना है कि इसकी जो है गुलाई भी हमारी आ जाए, स्ट्रेट लुक भी ख़त्म हो जाए और बाल जो है वो भी हमें सही जो है कट मिल जाए। बाल अक्सर जो है वो नेक से नीचे से जब उसको सर को डाउन किया जाता है तो नेक से बाल लंबे नज़र आ रहे होते हैं, तो वो हमने अगर तो आपने उसको यू शेप में लेके जाना है तो आप उस रुख में ले जाएं। अगर आपने उसकी गुलाई करनी है, बॉब कट जो होता है वो गुलाई में होता है, तो आपने उसकी गुलाई पे ख़ास ख्याल करना है कि उसकी गुलाई आपकी सीज़र का रुख जो है बिल्कुल गुलाई में जाता हो, उसको स्ट्रेट नहीं लेके जाना। आप लोग बहुत जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे, आपके मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि आपने वीडियो क्यों अपलोड नहीं की, कितने दिनों से आप वीडियो को जो है वो अपलोड करें, मज़ीद वीडियो बनाएं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का और आप लोगों के कमेंट्स का, आपके प्यार का। तो इंशाल्लाह अब हम लोग जो हेयर का स्टार्ट करने जा रहे हैं मंथ, इस पे भी मैं कोशिश करूँगी डेली बेसिस पे आप सबके लिए वीडियोस बनाऊँ हेयर से रिलेटेड, जिसमें हेयर स्टाइलिंग होगी, हेयर कटिंग होगी और वो वाली कटिंग भी हम लोग आपको इस चैनल पे बताएंगे जो आप अपने हेयर पे खुद से घर में कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं। तो बॉब कटिंग के लिए सबसे पहले हमने जो है वो उस स्ट्रेट किया, उसको बैक से गुलाई दी। अब भी हमने सारे बालों को कॉम किया, साइड के भी बाल एक साइड पे हमने कॉम करके इस रुख को कट करने हैं। बैक के देखें, जहाँ से हमें वो बैक की गुलाई स्टार्ट हो रही है वहाँ से हमने जो एरिया, ये लेंथ जो लॉन्ग हमें नज़र आएगी इसको हमने कट करना है। ये देखें जी, यहाँ से यहाँ तक हम अब इसको कट करेंगे। हमने इस रुख के सारे बालों को कॉम करके यहाँ से ये हमारी गुलाई आएगी, तो हमने सारे बालों को यहाँ से कट करना है और जो बैक पे आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ तक लेके जाना है। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है नेक्स्ट आप कौन सी कटिंग देखना चाह रहे हैं, नेक्स्ट आपके लिए कौन सी कटिंग पे वीडियो बनाई जाए, बच्चों की कटिंग कौन सी देखना चाह रहे हैं, बड़ों की कौन सी देखना चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह हम लोग खुद से भी आपको गाइड करेंगे और आपके लिए वीडियोस अच्छी अच्छी बनाएंगे। आपने जस्ट कमेंट्स करना है और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, उन बच्चियों के साथ शेयर करना है जो सैलून के चार्जेस अफोर्ड नहीं कर पाती, सैलून पे आ नहीं सकती, तो उनके लिए हमने स्पेशली ये चैनल बनाया है कि वो घर पे रहते हुए जो है वो बहुत अच्छे से सैलून का वर्क सीख सकें। और इसीलिए हम लोग जो है वो बेसिक से एडवांस तक टोटल सैलून का कोर्स लेके चलेंगे जो कि आप लोग घर में रहते हुए बआसानी कर सकते हैं। देखें, अभी ये एक साइड पे हमने कॉम करके उसको कट किया, अब हम उसकी दूसरी साइड पे सारे बालों को सेम उसी मेथड से कॉम करेंगे और जो यहाँ से हमने गुलाई देनी है वो भी इसी तरह जैसे हमने पहले दी। ये अगर हम लोग इस तरह से दोनों साइडों पे कट नहीं करेंगे तो ये हमारी गुलाई नहीं आएगी, बॉब कटिंग नहीं होगी कंप्लीट। तो बॉब कटिंग करने के लिए आपको ये दोनों साइडों पे कॉम करना ज़रूरी है कि आपका बाल जब बच्ची दरमियान में मांग निकालेगी, साइड पे निकालेगी, जिस साइड पे भी बिल्कुल फ्रंट पे करना चाहेगी, तो उसके जो बालों में एक जैसी गुलाई आएगी वो उसके बालों को एक साइड पे सेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी।
अक्सर होता है कि हम लोग बिल्कुल अपने हिसाब से कटिंग कर देते हैं, दरमियान में रख के उसको कट कर दिया, और क्लाइंट और बच्ची अगर उसके अब दिल है कि मैं साइड पे मांग निकालूं, तो वो इस तरह से बाल जो है वो लेयर निकल आती हैं, तो फिर क्या है कि वो समझ नहीं आ रही होती और वो कटिंग अच्छी नहीं लगती। तो अगर आपने बॉब कटिंग करनी है तो आपने इस मेथड को ज़रूर ट्राई करना है। और ये कटिंग जो बिल्कुल अनट्रेंड बच्चियां हैं जो मेरे चैनल से घर बैठे सलोन का वर्क सीख रही हैं, ये उनके लिए है कि बिगनर के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलेज की हमारी बच्चियाँ थी उनके लिए ये वीडियो बनाई गई, सलोन की जो स्टूडेंट न्यू हैं उनके लिए बनाई गई। तो इसी वजह से ये आप लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी वीडियो, कि आप लोग भी इस वीडियो से स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से सीखें। देखें, अब बैक से हमने जो हाफ हेड है, दरमियान है सर का, वहाँ से हमने कॉम करनी है और बैक के बालों को बैक पे कर देना है, मिड से लेके दरमियान से हमने बिल्कुल बैक के बालों को बैक पे किया, और बैक पे करके उनको एक दफ़ा हम दोबारा से स्टेप बाय स्टेप नेट कर देंगे। थोड़ी बहुत अगर कोई भी कमी पेशी हो तो वो अच्छे से कवर हो जाए, नेट हो जाए बाल, और उसकी जो गुलाई है वो एकदम से अच्छी आए। स्टेप बाय स्टेप पकड़ते जाएंगे और बालों को इस तरह से नेट करते जाएंगे। आप वैसे भी अगर कोई अपनी बालों की बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करना चाहें तो वो भी आप इसी मेथड से कर सकते हैं। स्टेप पकड़ते जाएं, थोड़े थोड़े से स्टेप पकड़ें और उनको जो पहले वाला कट किया हुआ स्टेप है उसको थोड़े से हेयर को साथ रखें, फिंगर में लें और उसको जो है वो इक्वल कर लें इसी मेथड से, जिस मेथड से हम लोग ये कटिंग नेट कर रहे हैं। कोई भी काम जो है वो अगर आप उसको देखते हैं कि बहुत इजी है तो वो इजी नहीं होता, और अगर हम लोग किसी काम को ये सोच के ना करें कि ये बहुत मुश्किल है, ये हम लोग नहीं कर सकते, तो इतना मुश्किल भी नहीं होता। इस वजह से आप लोगों ने इस कटिंग को जो है ज़रूर ट्राई करना है, कोशिश करनी है कि आप लोग जो है इस मेथड के साथ इस कटिंग को करो। दरमियान में जो अब फ्रंट के हमारे बाल रह गए थे उनको हमने दरमियान में से मांग निकाल के, तो एक दफ़ा स्टार्टिंग हमने जो है वो कान से, इस कान से स्टार्ट करनी है, बैक पे जाते जाते दूसरे कान वाली साइड पे हमने ला के ख़त्म करनी है कटिंग। तो ये हमारी जो है वो आज की बॉब कटिंग इसी मेथड से कंप्लीट होने जा रही है। आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है, गुलाई देती हैं हम लोग इसको लाइट सी। हमने जो है वो जो अपर एरिया हमने थोड़ा सा शॉर्ट रखा और बैक हमने थोड़ी सी लॉन्ग रखी, बट हमने इसको कट जो है वो गुलाई में किया। आप इसको ज़्यादा शॉर्ट करना चाहें तो ये जो कान के साथ से जो आपके पास लेंथ आ रही है उसके बराबर रखते हुए भी आप इसको गुलाई दे सकते हैं, बट बाल जो वेवी हैं, वेवी बाल जो है जैसे ही आपको पता है ड्राई होता है तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो के ऊपर चढ़ जाएगा, तो वो घुंघराला बाल होता है और वो जो है वो फिर वो बुरा लगता है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा शॉर्ट ना हो, जो फूला हुआ वेवी बाल है उसको थोड़ा सा आप जो है वो लॉन्ग रखने की कोशिश करें, ताकि वो ड्राई होने के बाद जब वो वेव में जाए तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना हो। तो इसी तरीके से हमने ये देखें दूसरी साइड को भी बैक के साथ मिला दिया, हल्का हल्का सा नीड किया, हल्की सी स्टेप जो नज़र आ रहे हैं उनको मैंने लाइट सा इस तरह से कट कर दिया कि वो बिल्कुल रफ भी ना हो और आपकी कटिंग के साथ जो है वो मैच हो जाए। आप इस तरह कॉम को रखते हुए भी जो है वो कटिंग को इक्वल कर सकते हैं, और इस तरह से सिंपल कट भी सीज़र के साथ कर सकते हैं। फर्स्ट का जो एरिया था बच्ची का वो ऑलरेडी जो है वो फुल जो है वो आगे से बेबी कट ऑलरेडी हुआ था, बट उसको हमने फुल कट नहीं करना था, हाफ कट करना था। तो हमने पहले जो वो कटिंग हुई थी उसको हमने लाइट सा देखे रखते हुए जो है वो आगे नेट किया,
ये जो कटिंग है इसको फुल बेबी कट बोला जाता है, और जो हाफ कटिंग है बेबी कट वो हमने शॉर्ट रखनी है। अभी मैं इसको जस्ट हल्का सा नेट करूँगी, जो एक्स्ट्रा लेंथ है उसको ये देखें हल्का सा नेट किया, फुल जो है हमने उसको मज़ीद और शॉर्ट नहीं करना क्योंकि हमने हाफ जो है वो बेबी कट करना है। तो आपने हाफ बेबी कट के लिए जो है वो आपकी जो प्लकिंग की नोक होती है जिसको हम खम बोलते हैं, दोनों साइडों से आपने इतना इतना एरिया लेना है, इस वाली प्लकिंग की खम और दूसरी प्लकिंग की खम, और अपर एरिया से बिल्कुल आपने एक बे शेप बना देनी है बेबी कट की। बे शेप बनाते हुए सीज़र को आपने बिल्कुल प्लकिंग के ऊपर ऊपर रख के चलाना है। अगर आप उसको सीज़र को और ज़्यादा प्लकिंग से जो है वो ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो वो बाल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। तो आपने सीज़र जो है उसको आपने कोशिश करनी है प्लकिंग से थोड़ा सा डाउन रखें या बिल्कुल प्लकिंग के ऊपर ऊपर रखते हुए सीज़र को चलाएं, ज़्यादा जो है उसको शॉर्ट ना करें क्योंकि ड्राई होने के बाद बाल जो है 2 इंच मज़ीद शॉर्ट हो जाता है क्योंकि ड्राई होने के बाद बालों की लेंथ शॉर्ट होती है। तो ये देखें हमने बिल्कुल प्लकिंग के जो ऊपर ऊपर रखते हुए इसको आगे से बेबी कट को नेट किया, और ये हमारी गुलाई आगे जो कि बॉब कटिंग की गुलाई है। आप मज़ीद इसको शॉर्ट बैक से करना चाहें यहाँ से तो यहाँ से भी आप इसको इस तरह ले